बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे आज का जो मेरा टॉपिक है, क्रिप्टो करेंसी को अपने रियल कैश में ट्रांसफ़र करना, अपने जेज कैश में ट्रांसफ़र करना, इजी पैसा में या बैंक में ट्रांसफ़र करना, जो LTC या BTC जो हम अर्न करते हैं किसी भी जगह पे, उसको हम किस तरह अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, और हकीकी पैसों में जो करेंसी होती है पाकिस्तान रुपीज़ में, USD वगैरह में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं आज आपको LTC और BTC के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैंने एक वीडियो ये बनाई थी कि क्रिप्टो करेंसी ये कैप्टन बिटकॉइन के बारे में, और इसके अलावा एक LBC के बारे में मैंने बताया था। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, LBC आप अर्न करते हैं या कैप्टन बिटकॉइन आप अर्न करते हैं, तो इसका प्रोसीजर ये है कि आप इनको एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद कैप्टन बिटकॉइन को या LBC को आप एक्सचेंज करेंगे BTC में। एग्जांपल, LBC को आप BTC में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद आज जो मैं आपको मेथड बताऊंगा, फिर वहां से अपना BTC अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आज जो मैं BTC और LTC को अपने अकाउंट में किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे, मेरा यह जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे आपको इस तरह का एक लिंक नज़र आएगा। ये जो मेरा माउस देख रहे हैं, बक्स मिल और सामने लिंक नज़र आएगा, आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म को आप फिल करके आई एग्री टू टर्म्स ऑफ सर्विस, इसको आप रजिस्टर करवा दें अपने आप को। जी दोस्तों, जैसे ही आप उसको साइन अप हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास इस तरह का ये सामने आ जाएगा, डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा। ये बक्स मिल है, मैं इसी को यूज़ कर रहा हूं और इसीलिए आपको इसी के बारे में ही बता रहा हूं। मैं इसका प्रोमोटर नहीं हूं और न ही मैं इस वेबसाइट से मेरा कोई ताल्लुक है। इसके अलावा यही सर्विस और वेबसाइट भी फ्राहम करते हैं, जैसे कैश माल हो गया, ये भी आप इसका, मैंने इसको यूज़ नहीं करता हूं, आप इसको भी यूज़ कर लें जैसे आपको जो बेहतर लगे। मैं ये यूज़ करता हूँ, ये मेरा लाइव प्रूफ है जो मैंने यहाँ से लिए हुए हैं, मैंने जो लाइव विड्रॉ लिए हुए हैं, ये वो हैं। ये कैश माल में सिर्फ जो है ये बिटकॉइन है, और बक्स मिल में आप बिटकॉइन एंड LTC दोनों आप कर सकते हैं। जो भी आप LTC या BTC आप अर्न करेंगे, वो आप बक्स मिल में डिपॉजिट करें, और उसके बाद अपने जेज कैश बैंक अकाउंट या इजी पैसा में ट्रांसफ़र करें। अब मैं आपको इसका तरीका बताऊँगा। साइन इन होने के बाद यहाँ पर आप चली जाइएगा सेटिंग में। सेटिंग के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज विथड्रा मेथड, तो इसको आप यहाँ पे प्रेस करें। ये विथड्रा का स्पेलिंग सही नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आपने जिस अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो अकाउंट आप यहाँ पे ऐड करना होगा आपको। जैसे आप अपने जेज कैश में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो अपना जेज कैश यहाँ पर ऐड कर लें, या इजी पैसा आप अपना ऐड कर लें, या बैंक अपना ऐड कर लें। तो जैसे जो भी आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आगे जो प्रोसेस है, जैसे मैं जेज कैश को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरा डिटेल दिया हुआ है, अकाउंट नंबर जो जेज कैश नंबर है, और जो नेम है उसी वही नाम देना है यहाँ पे, और अपना एक पिन कोड बनाना है। ये विड्रॉ के वगैरह वो पिन कोड ये मांगेगा आपसे, तो यहाँ पे अपना पिन कोड लगाना है, तो आपका जेज कैश का अकाउंट इस तरह ऐड हो जाएगा। इजी पैसा का भी यही मेथड है। और अगर आप अपना बैंक ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप बैंक ऐड कर लें अपना, यहाँ पे अपना आप बैंक भी ऐड कर सकते हैं, तो BTC या LTC होगा वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे ये बैंक है, तो आप यहाँ पे बैंक नेम सेलेक्ट कर लें जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जैसे हबीब बैंक लिमिटेड हो गया। उसके बाद इंटर IBN नंबर यहाँ पे देना है, जो आपके चेक पे लिखा हुआ होता है। इंटर अकाउंट टाइटल, तो बैंक टाइटल होगा वो आपने यहाँ पर ऐड करना है, जिसके नाम का अकाउंट होगा वो नाम यहाँ पर ऐड करना है, जो आपके चेक बुक पर टाइटल दिया हुआ है। और ये जो पिन है, वो पिन आपने यहाँ पर लगाना है। तो ये तरीक़ेकार है, आप यहाँ पे चेंज विथड्रा मेथड में यहाँ से कोई भी अकाउंट अपना ऐड कर सकते हैं। तो जेज कैश, इजी पैसा या बैंक ट्रांसफ़र,
तो ये यहाँ पे आपका ये जो BTC या LTC यहाँ पे आपका विड्रा हो जाएगा। तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आप आपको जाना होगा मैनेज फंड्स पे और यहाँ पे आपने क्लिक करना होगा डिपॉजिट। जैसे ही आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो यही स्क्रीन आपके सामने आएगा। तो डिपॉजिट हमने बिटकॉइन यहाँ पे डिपॉजिट करने होंगे या लाइट कॉइन। आपने मुख्तलिफ एक्सचेंज होते हैं, मुख्तलिफ जैसे कॉइन बेस हो गया, किसी भी जगह पे आप काम करते हैं वहाँ पे आपके लाइट कॉइन हैं या आपका BTC पड़ा हुआ है, तो वो BTC आप यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे और जो मैंने इससे पहले जो तरीका बताया हुआ था जैस कैश या बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करेंगे। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ आपके कॉइन बेस में या बाइनेंस में आपके BTC पड़े हुए हैं, तो आप अब बक्स मेल पे आके यहाँ पे BTC को आपने क्लिक मारना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक यूनिक एड्रेस आया हुआ है, तो मेरे पास जो BTC पड़ा हुआ है वो मैं इस एड्रेस पे सेंड करूँगा और आपके पास आपका एड्रेस आएगा। तो जो आप BTC का है, BTC का आपने इसी एड्रेस पे सेंड करना है और LTC का अपना एड्रेस होता है, ये याद रखना। यहाँ पे आप LTC कॉइन नहीं भेज सकते, यहाँ पे आप BTC ही भेज सकते हैं। तो ये तरीक़ेकार है, बहुत ही सिंपल है। तो इस एड्रेस को यहाँ से आपने कॉपी मारना है और कॉइन पे से आप अगर आप बेच रहे हैं तो वहाँ पे सेंड के ऑप्शन में जाके ये एड्रेस वहाँ पे पेस्ट मारना है और वहाँ से करना है आपने सेंड। तो ये यहाँ पे फिर डिपॉजिट हो जाएगा आपके बक्स मिल में और उसके बाद यही डिपॉजिट के नीचे आप देख रहे हैं विदड्रॉ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप विदड्रॉ करके अपने जैस कैश, इजी पैसा या बैंक बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, बहुत ही इजी है। तो अभी आपको अगर इसके अलावा अगर आपके पास BTC या LTC लाइट कॉइन नहीं है, आपके पास कोई और कॉइन है, तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आपके पास जो भी कॉइन है उसको आपने LTC या बिटकॉइन में कन्वर्ट करना होगा एक्सचेंज में। एक्सचेंज जैसे बाइनेंस हो गया, क्वाइनेक्स हो गया, इसके ऊपर मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसके ऊपर बनाऊंगा। तो आप कोई और कॉइन LTC या बिटकॉइन में किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो पहले बिटकॉइन में ट्रांसफ़र करना होगा आपको, फिर वही बिटकॉइन आप बक्स मेल में ट्रांसफ़र करेंगे, डिपॉजिट करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जैज़ कैश इजी पैसा यहाँ बैंक में ट्रांसफ़र कर लेंगे आप। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम।